नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये क्लास 21 है और सुपर फास्ट रिवीजन है। किसके लिए सुपर फास्ट रिवीजन है तो आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा पाल शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली, जिसमें 750 ईस्वी पूर्व से 1197 ईस्वी पूर्व तक जो है पूर्वी शैली होती है पाल शैली, और उसके बाद आ जाती है पश्चिमी शैली या फिर मूल रूप से जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली, जो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रहती है। तो इसके बारे में हमने विस्तार से देखा है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम लोग एक जो है सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। वन लाइनर बेस्ड सभी क्वेश्चंस हैं, तो नोट डाउन आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। भारतीय लघु चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे विशेषतया जो है जैन धर्म से संबंधित सभी डाटा आते हैं, तो जैन धर्म को भी आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पाल शैली की अगर बात करते हैं, पूर्वी पाल शैली में 750 से 1197 ईस्वी तक जो है डाटा है। और भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो लघु चित्रण, छोटे चित्रों को बनाने का काम सबसे पहले पाल शासकों के द्वारा होता है। तो पाल शासक ऐसा काम करने में जो है आगे आते हैं और ऐसा काम करवाते हैं। आप जानते होंगे जैन धर्म में टोटल कितने तो जो है तीर्थांकर होते हैं? 24 तीर्थांकर होते हैं। पहले तीर्थांकर का नाम ऋषभदेव जी होता है। ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। कई बार पूछा गया है बैल किसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, दूसरे तीर्थांकर बहुत महत्वपूर्ण है, अजीत नाथ होते हैं, इनका जो है प्रतीक चिन्ह हाथी है। और लास्ट में तीन तीर्थांकर और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, नेमिनाथ, जिनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख होता है। नेमिनाथ 22वें हैं। 23वें क्रम पे कौन है? पार्श्वनाथ हैं। जबकि 24वें क्रम पे कौन है? महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जो है प्रतीक चिन्ह सिंह होता है, पार्श्वनाथ का सर्पफण होता है और जो है नेमिनाथ का शंख होता है। 24 तीर्थांकर टोटल हैं। 24 तीर्थांकरों की लिस्ट भी हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे, परेशान नहीं होना है। आइए आगे इस पर हम लोग बात करते हैं। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो भारत में लघु चित्रों की जो परंपरा है मूल रूप से पूर्व मध्यकाल से, यानी प्रकृति काल से स्टार्ट हो जाती है। पूर्व मध्यकाल इसका राइट आंसर है। अब एक प्रज्ञापारमिता बहुत फेमस जो है औलेकितेश्वर की बौद्ध प्रतिमा है, प्रज्ञापारमिता इसको जो है मूल रूप से रचते हैं। ये पाल शैली का एक बहुत फेमस जो है दृश्य है, याद रखना है। ऐसा चित्रण मूल रूप से पाल शैली में ही मिलता है, जिसे पूर्वी शैली की उपमा भी प्राप्त है। आगे बात करते हैं, तो भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पंडुलिपि से होता है? तो वो बौद्ध पंडुलिपि कौन सी है? प्रज्ञापारमिता, जिसमें मूल रूप से अवलोकितेश्वर बौद्धिसत्व का जो है चित्रांकन मिलता है। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं भद्रबाहु ने क्या लिखा है। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा है और कल्पसूत्र में सबसे ज़्यादा जैन तीर्थांकरों की जीवनी को उत्कीर्ण किया गया है, चित्रित किया गया है, तो याद रखना है। पाल पोथियों के चित्रण का समय क्या है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी, क्योंकि हमने बताया 750 से और जो है मूल रूप से कहाँ तक जाता है? 1197 तक जाता है, तो वही 12वीं शताब्दी आ जाता है। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल पोथियों का चित्रण रहा है। पाल पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो सबसे पहले पाल पोथियों के जो चित्रण का कार्य है वो पाल शैली में ही होता है। किसने पाल शैली को पूर्वी शैली यानी पूर्वी शैली उपनाम किसने दिया है? तो लामा तारानाथ ने पाल शैली को जो है पूर्वी शैली की संज्ञा प्रदान की है। आगे बात करते हैं, तो कहा गया है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पोथी चित्रण यानी पोथी पे जो है चित्रित का कार्य या चित्रों का कार्य मूल रूप से पाल शासकों के द्वारा होता है, तो पाल राजवंश इसका राइट आंसर भी बन जाएगा। पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र थे, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है ये। पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से? बंगाल, नेपाल और बिहार। जब हमने पढ़ाया है तब भी इस पर विशेष फोकस किया था कि पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र बंगाल, नेपाल और बिहार हैं। ठीक है, ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के आते हैं? तो ताड़पत्रों जिसकी लंबाई चौड़ाई 2x2.5 होती है, इंच में है ये 2.2 इंच × 2.5 इंच। ठीक है, तो 2x2.5 इंच में मूल रूप से ताड़पत्र होता है और उस पर किस शैली ने सबसे पहले चित्र बनवाया, या ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के माने जाते हैं? तो पाल शैली के माने जाते हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहा जाता है। आप जानते हैं पूर्वी शैली उपनाम किसने दिया है? लामा तारानाथ ने दिया है। आगे बात करते हैं,
तो पाल शैली के संरक्षक थे, पाल शैली के संरक्षक भी पाल शासक ही रहेंगे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? तो धीमान और बित्तिपाल, ये दोनों कलाकार हैं, धीमान और बित्तिपाल, इन्होंने जो है मूल रूप से पाल शैली को सजोया है, जो है सराहा है, और उसका जन्म भी इन्हीं के रूप में माना जाता है कि इन्होंने इसको जो है संस्थापित किया है। पाल शैली यानी पूर्वी शैली किसके अकॉर्डिंग? लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग। कौन? धीमान और बित्तिपाल इसके संस्थापक हैं। पाल शैली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल साहब ने की है। हमने बहुत अच्छे से बताया, गोपाल का इतिहास बताया, इनके पूर्वजों के बारे में बताया, इनके लेटेस्ट में बताया। 750 से 770 ईस्वी तक गोपाल जो है राज्य करते हैं, और बंगाल में जब विद्रोह होता है उसके बाद गोपाल आते हैं, ठीक है, तो गोपाल को शासक बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस है बेटा, है भागलपुर में है। कई बार तो यही पूछा गया है कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर में है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, भागलपुर भी याद रखना है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल के जो है पूर्वज क्या होते हैं, अग्रज होते हैं, धर्मपाल, उन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की थी। गंगा नदी के किनारे भागलपुर स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? बहुत बार ये क्वेश्चन छपा है बेटा, ये जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव जो मूल रूप से हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, ये भी धर्मपाल के अग्रज ही हैं, लक्ष्मण सेन जी याद रखना है, ठीक है। तो जयदेव किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, उनके दरबार के चित्रकार हैं। ऑप्शंस, पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तियाँ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? तो कूकिहार गया। पाल राजाओं में कांस्य की मूर्तियां सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिली हैं? कूकिहार गया में मिली हैं। गया भी बिहार का ही क्षेत्र माना जाता है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं महावीर स्वामी का जन्म। बेटा महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईस्वी में ही हुआ है, 599 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में ही हुआ है। उनके पिता सिद्धार्थ हैं, उनकी माता त्रिशला हैं, उनके बचपन का नाम वर्धमान है। नोट डाउन कर लीजिए, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बात करते हैं आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बने हैं, तो तालपत्रों पे सबसे पहले जो है चित्रण मिलता है। तालपत्र हमने बताया लंबाई चौड़ाई 2x2.5 होती है, इंच में बात होती है। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, तालपत्रों पे बनाए गए हैं। आगे क्या कहा गया है? पाल शैलियों के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो पाल शैलियों के जो दृष्टांत चित्र हैं, जो मूल रूप से चित्रित गए हैं, उसमें जो लिपि है वो देवनागरी प्रयोग की गई है, देवनागरी लिपि प्रयोग की गई है, ठीक है। तो पाल शैलियों में देवनागरी लिपि से डाटा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटक है किस भाषा में लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, और बौद्ध धर्म का जो विनय पिटक है वो मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। अच्छा, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण मूल रूप से जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बात करते हैं पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया है? तो नाग शैली अपनाई गई है। पाल चित्रण यानी कि पूर्वी शैली में नाग जो है शैली को अपनाया गया है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। मैंने बताया कि जब गोपाल साहब आते हैं तो गोपाल साहब ऐसे नहीं आ जाते हैं, बहुत तगड़ा विद्रोह होता है, पूरी बंगाल की जनता जब विद्रोह कर देती है उसके बाद गोपाल साहब गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। तो बंगाल शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान रही है, तो वो पाल शैली में देखने को खूब अच्छे से मिलती है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है किस शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो पाल शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। आगे कहा गया है प्रमुख सचित्र पाल शैली पोथियों के हैं, कौन कौन से हैं? तो पाल शैली में जो चित्रित किए गए हैं, प्रज्ञा पारमिता हो गया, साधनमाला हो गया, पंचशिखा हो गया, करण देव गुहा हो गया, करण देव गुहा हो गया, और गंधर्व व्यूह हो गया। तो गंधर्व व्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा, साधनमाला और प्रज्ञा पारमिता, ये पाल पोथियाँ हैं जिनको सचित्र चित्रयुक्त दर्शाया गया है, याद रखना है। पाल शैली वही आता है 750 से 1197 ईस्वी पूर्व, यानी 800 से 12वीं ईस्वी के, ठीक है। आगे पूछा गया पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं, तो पाल के जो लघु चित्रण हैं मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं।
पाल पोथियाँ संबंधित हैं। तो बेटा पाल पोथियाँ मूल रूप से महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, महायान बौद्ध धर्म से पाल पोथियों का संबंध है। आगे बात करते हैं क्या कहा गया है और डाटा क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा गया है पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ है, तो पाल चित्रण शैली का जो आधार ग्रंथ है जिस पे सभी निर्भर हैं वो है प्रज्ञापारमिता। प्रज्ञापारमिता पे पाल चित्रण शैली सबसे ज़्यादा आधारित है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम और उनकी पुत्री का नाम, तो प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम है जिसे अड़ोज्या भी कहा जाता है, अनोज्या भी कहा जाता है, जबकि उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, यशोदा यशोदा। महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थांकर जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, सिंह सिंह। माताजी का नाम यशोदा है, बचपन का नाम वर्धमान था, सॉरी यशोदा नहीं, यशोदा पत्नी का नाम है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जो है यशोदा है, पत्नी का नाम यशोदा है, माताजी का नाम त्रिशला है, त्रिशला माताजी का नाम त्रिशला है और पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म किस में विश्वास करता है, जैन धर्म मूल रूप से आत्मा में विश्वास करता है। महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता 10वीं से 600वीं ईस्वी में कुल मिला के कितने श्लोकों में लिखी गई है, तो प्रज्ञापारमिता में मूल रूप से 8000 श्लोक हैं, याद रखना है 8000 श्लोक पाए जाते हैं किसमें, प्रज्ञापारमिता में, प्रज्ञापारमिता में 8000 श्लोक हैं जिसका संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। प्रज्ञापारमिता ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो नागार्जुन ने की है, नागार्जुन ने। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतया आधारित हैं, तो बौद्ध धर्म पे आधारित हैं, पालयुगीन जो चित्रण हैं मूल रूप से बौद्ध धर्म उनका संबंध है। पाल शैली में बने चित्रों का आकार क्या है, तो 22.25 इंची लंबा और 22.25 इंची चौड़ा, 22 सही 1/4 इंची लंबा और 2 सही 1/4 इंची चौड़ा। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सुवर्ण रंग यानी गोल्डन कलर यहाँ पे बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि अभी हम लोग जैन शैली, अभ्रंश शैली या फिर पश्चिमी शैली देखेंगे तो यहाँ पे खूब बढ़िया से सुवर्ण वर्ण का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं जैन शैली या अभ्रंश शैली की, तो 11वीं से 15वीं ईस्वी के मध्य मूल रूप से यह शैली पनपती है, जैन चित्रकला कहलाती है, तो लघु चित्रण हो जाती है, जैन चित्रकला मूल रूप से लघु चित्रकला कहलाती है। आगे पॉइंट जो बना हुआ है वो है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था, तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय की शैली की जो उपमा प्रदान की है वो आनंद कुमार स्वामी जी ने प्रदान की है, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। आगे एक महत्वपूर्ण डाटा है, आप देख सकते हैं जैन पाल अभ्रंश शैली का कल्पसूत्र है, महावीर का जन्म इसमें चित्रित है, देख सकते हैं ये महावीर स्वामी हैं और इधर कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो ये जैन या फिर अभ्रंश शैली से मूल रूप से जुड़ा हुआ है। आगे जो पॉइंट बना है वो महावीर स्वामी के पूछा गया है, महावीर स्वामी आप जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर हैं, का जन्म चित्रित किया गया है किसमें, कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, कल्पसूत्र में मूल रूप से चित्रित किया गया है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु जी हैं, भद्रबाहु जी हैं, ठीक है। आगे अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, तो स्थिर और जकड़े हुए ऐसे दर्शाए गए हैं, अपभ्रंश शैली में जो अंग और प्रत्यंग बने हुए हैं वो स्थिर और जकड़े हुए दर्शाए गए हैं। भारत में सचित्र पुस्तक सर्वप्रथम किस माध्यम में बनती है, तो भारत में सबसे पहले पुस्तक जो है सचित्र यानी चित्रयुक्त पुस्तक बनती है वो कागज़ पर ही बनती है। कागज़ का सर्वाधिक उपयोग या कागज़ का सबसे पहला उपयोग कौन करता है, तो चीन करता है, अपना पड़ोसी देश है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, तो तीर्थांकर और उनकी जीवनी मूल रूप से इसमें चित्रित की गई हैं। लघु चित्रण में सबसे ज़्यादा तीर्थांकरों को दर्शाया गया है और उनकी जीवनियों को दर्शाया गया है। तीर्थांकर टोटल 24 हैं, तो जैन धर्म में मूल रूप से 24ों तीर्थांकरों को बार बार दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, तो वह पश्चिमी क्षेत्र की है। ये हैं महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी यानी 599 से 527 ईसा पूर्व के मध्य का पूरा डाटा इसमें है, 599 में जन्म, 527 में मृत्यु।
महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे होता है? कुंडल ग्राम में होता है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? तो मूल रूप से 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर को कैवल्य यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो जाभृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, किस वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को जो है 12 वर्ष तपस्या करने के बाद मूल रूप से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष एक कठोर तपस्या करते हैं, उसके बाद होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे हम लोग बात करते हैं, तो डाटा दिया गया है कि महावीर के पिताजी का नाम बता दीजिए। तो महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है बेटा। महावीर के माता का नाम त्रिशला है। महावीर का विवाह यशोदा से होता है। महावीर की पुत्री अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी किसकी पुत्री है? महावीर स्वामी की पुत्री है। आगे महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बनते हैं? तो इनके दामाद बनते हैं, सबसे पहले इनके दामाद जमाली बनते हैं, प्रियदर्शनी के पति हैं। महावीर की मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी। पावापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो मूल रूप से राजगृह है ये किसके समीप है? तो राजगृह पावापुरी के पास है। पावापुरी फेमस इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थांकर कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं ये बताना है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव जी माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, जबकि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल है। दोनों में अंतर हैं, जानते होंगे आप। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या रहा है? तो अपभ्रंश चित्रों का मूल रूप से जो विषय रहा है वो जैन रहा है, जबकि पाल शैली में मूल रूप से विषय क्या रहता था? पाल शासक आते थे, बौद्ध धर्म को संबंधित रहा। ठीक है, आरंभिक चित्र सबसे ज़्यादा ताड़पत्रों पे वहाँ बनते थे। जो पाल शैली में दृष्टांत चित्र थे उस पर किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में वहाँ लिखी जाती थी। आप जानते होंगे पाल पोथी कब का समय है? 8वीं से 12वीं शताब्दी का। क्यों? क्योंकि 750 से 1197 ईस्वी के मध्य मूल रूप से पाल शैली या फिर पूर्वी शैली आती है, उसी के बीच फली फूली और उसके बाद उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का प्रथम चित्रण किस शैली में हुआ है? तो आप जानते हैं कल्पसूत्र जैन शैली में चित्रित है। कल्पसूत्र में ही मूल रूप से जैन शैली के 24 तीर्थांकरों को बारी बारी से दर्शाया गया है। कल्पसूत्र की रचना किसकी है? भद्रबाहु ने लिखा है। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता रही है? तो परली आँख मूल रूप से अपभ्रंश शैली की विशेषता रही है, जिसे पश्चिमी भारतीय शैली की उपमा भी प्राप्त है। आगे बात कर ले रहे हैं, तो सवा चश्मे चेहरे या फिर चेहरे के भीतर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें इत्यादि किस शैली की विशेषताएं हैं? तो ये मूल रूप से जैन शैली की विशेषता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण है मूल रूप से किस शैली में हुआ है? अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। ऐसा अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। अच्छा, जैन धर्म में मूल रूप से निकाय कितने हैं? आप जानते होंगे जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल मिला के 16 महाजनपदों को दर्शाया गया है। तो भगवती सूत्र किससे है? जैन धर्म से, जबकि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय दोनों क्या कहते हैं? 16 महाजनपद के बारे में बताते हैं। 16 महाजनपद इतिहास में आपने पढ़ा होगा, अंग अवंती सूरसेन काशी कौशल कुरु कम्बोज अस्मक चेंदी पांचाल वज्रवत्स मगध मत्स्य मल्ल और गंधार, इस टाइप से कुल मिला के 16 महाजनपद होते हैं। गंधार की ही राजधानी तक्षशिला होती है। रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान वाला क्षेत्र होता है तक्षशिला। कौशल श्रावस्ती साकेत अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी हुआ करती है। ठीक है, काशी वाराणसी वाला क्षेत्र होता है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती हुआ करती थी, मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, तो 16 महाजनपद किस में मिलते हैं? भगवती सूत्र या फिर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ने। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। आप जानते होंगे 16 महाजनपद काल बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाता है। सवा चश्म चेहरे या फिर चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें इत्यादि किस शैली की विशेषताएँ हैं? जैन शैली की विशेषताएँ हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है अपभ्रंश शैली में हुआ है। आगे बात करते हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं?
तो जैन धर्म के सबसे ज़्यादा जो तीर्थंकर चित्रित हैं वो कालकाचार्य की कथा में है। कालकाचार्य कथा में जैन धर्म के ज़्यादातर तीर्थंकरों को ही चित्रित किया गया है। कालकाचार्य कथा यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है, हाथों से बनाया हुआ चित्र है ऐसा दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे बात करते हैं तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र सचित्र किया गया है जैन लघु चित्रण के लिए। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र मूल रूप से फेमस हैं। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर कब बनते हैं, तो 14वीं शताब्दी में मूल रूप से कागज पे भी दर्शाए जाते हैं जैन सूत्र, ठीक है। यानी जैन धर्म से संबंधित चित्र सबसे पहले 14वीं शताब्दी के मध्य कागज पे उकेरे जाते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जैन शैली में मूल रूप से होता है, जैन शैली में सबसे पहले देखने को मिलता है। जैन शैली का प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ क्या है, तो निशीथ चूरणी है। आगे बात करते हैं सलिष्टि सलाका पुरुष रचित या फिर सलिष्टि सलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन हैं, तो हेमचंद्राचार्य जी हैं सलिष्टि सलाका पुरुष चरित्र के रचयिता यानी लेखक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात किया गया है निशीथ चूर्णी यानी जिंदास गरणी द्वारा रचित का निर्माण किसके समय होता है, तो निशीथ चूर्णी मूल रूप से सिद्धराज जयसिंह के समय में होता है, 11वीं शताब्दी के मध्य हो जाता है, 11वीं ईस्वी के मध्य सिद्धराज जयसिंह के काम में होता है निशीथ चूर्णी, ठीक है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे है, अपना उत्तर प्रदेश का जौनपुर वाला हिस्सा है, वर्तमान में भी बड़ोदरा में स्थित है, लेकिन मूल रूप से पहले यह जौनपुर में जो है सबसे बढ़िया प्रति उसकी एक रखी हुई थी कल्पसूत्र की, भद्रबाहु वाली कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है और स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, तो जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय की चित्रण 1467 ईस्वी की है, जो सबसे बढ़िया है। वर्तमान में यह बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित रख दी गई है, हमने पढ़ाया है अच्छे से बताया है। कल्पसूत्र में मूल रूप से जौनपुर वाला सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसको हुसैन शाह सरकी के समय चित्रण करवाया गया था मूल रूप से 1467 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या पॉइंट बन सकता है, तो इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है, तो ईरान के सिराज से की जाती है, इसीलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज कौन है, जौनपुर शहर आता है। सिराज क्या है, तो ईरान का एक शहर होता है सिराज, ठीक है, इसलिए उसकी उपमा जो है उसकी तुलना जो है मूल रूप से सिराज से कर दी जाती है, इसीलिए भारत का सिराज उपमा प्राप्त है जौनपुर को। आगे बात करते हैं किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं, तो अपभ्रंश शैली के सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलते हैं उसमें ये हैं नाम, जैसे बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी और जो है कथा सारित्य सागर मूल रूप से इसमें हैं जो अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते जुलते हैं। आगे बात कर ले रहे हैं वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। आगे किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखाओं को निब की सहायता से काली स्याही पे बनाया गया है, तो जो है सीमांत रेखाओं को निब की सहायता से काली स्याही पे बनाया गया है वो है अपभ्रंश शैली के चित्र ऐसे बनाए गए हैं जिनको निब की सहायता से काली स्याही में दर्शा दिया गया है, पिरो दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे जैनपाल अपभ्रंश से, तो अगला पॉइंट है पश्चिम भारतीय शैली के आकारों का बाह्य रेखा किससे बनी है, तो बाह्य रेखाएं मूल रूप से काली स्याही के कलम से बनाई गई हैं यानी निब से बनाई गई हैं। लौर चंदा के लेखक कौन है, लौर चंदा के लेखक मूल रूप से मुल्ला दाऊद जी हैं, मुल्ला दाऊद इसके राइट आंसर बनेंगे, मुल्ला दाऊद। आगे है अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, तो भाव शून्य में मूल रूप से अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है, तो जैन शैली के चित्रों में मूल रूप से प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। आगे बात कर ले रहे हैं जैन शैली में पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण कैसा हुआ है, अस्वाभाविक रूप से इसमें दर्शाया गया है, जैन शैली में मूल रूप से पशु पक्षी या फिर प्रकृति का जो चित्रण दर्शाया गया है अस्वाभाविक रूप से दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट बना है पट चित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है, तो गौड़ शैली मूल रूप से ऐसा काम करती है।
कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। तो श्री मेहता साहब गुजरात से क्या लेकर के आते हैं जो कपड़े पे कलाकृति है? बसंत विलास। बसंत विलास, बसंत विलास कब चित्रित होता है? 1451 में चित्रित होता है बसंत विलास। ठीक है, कपड़े पे बना हुआ है, ध्यान रखना है। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? टोटल 79 चित्र दर्शाए गए हैं, 79 चित्र। जैन शैली से प्राप्त पंचासिका के चित्रों में क्या चित्रित है? तो बिल्हाड़ और पंचावती की प्रणय लीला मूल रूप से चित्रित है पंचासिका में। ठीक है, आप जो है नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसका पीडीएफ फाइल तो आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भेज दिया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, इसका भी सुपरफास्ट रिविजन सोने से शिखर का भी। ठीक है, जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया है? राय कृष्ण दास ने जैन शैली को अभ्रंश शैली कहा है। जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा है? राय कृष्ण दास जी ने कहा है। जबकि पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? लामा तारानाथ ने कहा था। लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा, जबकि जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? तो स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी ने कहा है। आगे, जैन शैली के चित्र के धरातल क्या रहे हैं? तो ताड़पत्र, कपड़ा और कागज़ पे भी ऐसे चित्रण बनाए गए हैं, तथा भित्ति यानी दीवारों पर भी जैन शैली के चित्र बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना है, ताड़पत्र, कपड़ा, कागज़ और भित्ति मूल रूप से जैन शैली के चित्रों के धरातल रहे हैं। आगे बात करते हैं, पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया है? तो न्यामतनामा मूल रूप से ग्यासुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में लिखा जाता है। पाकशास्त्र का ग्रंथ है, 1467 से 1500 ईस्वी के मध्य मूल रूप से ग्यासुद्दीन खिलजी का कार्यकाल होता है और उसके बीच जो है लिखा जाता है न्यामतनामा। आगे, जैन शैली का अभ्रंश या विकास फिर किस साल में होता है? तो मैं बताता हूँ, 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य मूल रूप से जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली फली फूड़ी है। जैन शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम कहाँ पे है? जर्मनी में है। जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रतियाँ किसने खोजी? तो आनंद कुमार स्वामी ने बर्लिन में ऐसा कारनामा करके दिखाया था। आनंद कुमार स्वामी इसके जो हैं राइट आंसर के साथ जाएंगे। गीत गोविंद और कल्पसूत्रम किस धर्म की सचित्र रचना है? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है मूल रूप से जैन धर्म की सचित्र रचना है, जिसमें सभी को दर्शाया गया है, चित्रण किया गया है। अच्छा, क्वेश्चंस कहा गया है, रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए हैं? तो रति रहस्य और कामसूत्र मूल रूप से किस शैली में बनाए गए हैं? जैन शैली में दर्शाए गए हैं, जैन शैली में बनाए गए हैं। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।